मेरे और मेरे परिवारजनों के तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 इक्ष्वामी महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब वंदना पे अपन चढ़ते हैं तो 200 से 500 लोग पर डे में इंजेक्शंस लगवा के चढ़ रहे हैं, मतलब दर्द और ताकत के इंजेक्शन जिससे वंदना अच्छे से हो जाए, तो ये कहाँ तक उचित है और इसका पुण्य भी उतना ही मिलेगा क्या जो बिना इंजेक्शंस के भी चढ़ाई मतलब वंदना कर रहे हैं? ये तो पहले ही बार ऐसा प्रकरण आया। इंजेक्शन कहाँ लगती है? हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? ये जो ब्लू हॉस्पिटल बीच में जैन हॉस्पिटल है वहाँ पर। जैन हॉस्पिटल में ताकत की इंजेक्शन लगाई जाती है? दर्द और ताकत के इंजेक्शन हैं, 20 रुपए में लगते हैं। वंदना के पहले की वंदना के बाद? पहले, और जिसको अगर बाद में लगवाना हो तो वो भी लगवा सकता है। ज्यादा लंबी लाइन लगी रहती है, इससे हार्ट अटैक हुआ। देखिए, अगर ये व्यवस्था है तो इस पर तो बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और चिकित्सकों से भी परामर्श लेना चाहिए। पहली तो मैं आप सबको सलाह दूंगा, ऐसा इंजेक्शन लगाकर वंदना करने से बेहतर आप वंदना ही ना करें। और जैन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाइए कि चिकित्सकीय परामर्श के बिना इस तरह का पाप कार्य मत करिए। पूरे जैन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को इसी मंच से सूचना दीजिए, आप क्यों दे रहे हैं इस तरह का इंजेक्शन? अगर मेडिकली ठीक है, क्लिनिकली ठीक है, तो मुझे अब ये डाटा आप लोगों से ही मिल रहा है, बता नहीं बहन जी, 5 लाख लोगों को लग चुका। हाँ, 500-700 पर डे लगता ही है, लाइन लगानी पड़ती है और 8 बजे वो लोग बंद कर देते हैं ताकि और लोग ना। नहीं, आज ही ये वहाँ के मैनेजमेंट को बोलिए, इसकी पूरी छानबीन कीजिए और यदि ये सही है तो मुझे कोई एतराज नहीं, और अगर ये गलत है तो इसे तत्काल बंद करना चाहिए। और आप लोगों से बोलता, अपने दम पर वंदना करो भाई, इतने कमजोर हो क्या? छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने वंदना करके आ जाते हैं, और इस तो पर्वतराज का ऐसा प्रभाव है कि पर्वत की वंदना करने वाला कितनी भी बारिश में वंदना करता है नीचे आके स्वस्थ हो जाता है। जो जाता है वो पूरी तरह से निपट जाता है, ऊपर से ऊपर ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, बीच बाच का काम नहीं। इसलिए मुझे आश्चर्य है, इतने वर्षों से इस इलाके में हूं, आज सुनने में आया, और वो भी सीधे संघ का समाधान। ये तो बहुत ही चिंतनीय और गंभीर विषय है। मैं समझता हूं ये संदेश तो अभी ही पहुंच गया होगा मैनेजमेंट के पास, सब अपने ही लोग हैं, उन तक सुभाष जी आप भी पूछिए ये क्यों हो रहा है, किसके परामर्श से हो रहा है और इसके परिणाम क्या है। जैसा किसी ने अभी कहा कि उसके कारण हार्ट अटैक भी हो जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। दर्द महसूस नहीं होता और अटैक हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेन किलर तो ऐसे भी डॉक्टर लोग अवॉइड करते हैं, अब वो कौन सा इंजेक्शन देते हैं ये विचारणीय है, इस पर विचार करना चाहिए। और ये संदेश पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहूँगा, तुम अक्षम हो ना, नीचे की रज लेकर के आ जाओ, तुम्हारे सारे कर्म कट जाएंगे। तुमसे नहीं बनता, बिल्कुल हैरान मत हो, भगवान की रज ले आओ, निशीत का वंदना कर लो। मैं तो रोज वंदना करता हूँ, यहीं से वंदना करता हूँ, चातुर्मास में तो जाता ही नहीं, पर भाव वंदना में पूरी करता हूं, पूरा पुण्य मिलेगा। लेकिन इस तरीके से वंदना करना कतई उचित नहीं है, इसे रोक लगाना चाहिए।